हेलो फ्रेंड्स, आज कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो का Y100A जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, जो कुछ दिन हुआ है, वर्सेस वीवो का Y56। तो चलो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इन दोनों से कोई परचेज करना है या आपको कोई इंक्वायरी है तो आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो। शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के प्राइस के बारे में। इसका जो प्राइस है वो 27,000 है। इसका जो प्राइस है, ये दो वेरिएंट में आता है, एक 18,000 में आता है, एक 20,000 में आता है। तो 20,000 की बात करते हैं तो 7,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें देखते हैं क्या क्या आता है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। इसमें को आप धूप में लेके जाओ चेंज होगा, इसमें आप धूप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, पर डिफरेंस क्या है वो आपको आगे पता चल जाएगा। लुक वाइज दोनों ही काफ़ी औसम है। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के प्राइस के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दिया है, 7,000 का डिफरेंस आता है 20,000 का, और ये आपको मिल जाता है 27,000 का, 27,000 का। अगर फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट लगभग दोनों के सेम ही देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको जो फ्रंट में देखने को मिलेगी डिस्प्ले, इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.38 इंच है, फुल्ली HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले क्वालिटी, जो कि आपके 90 हर्ट्ज के साथ काम करने वाली है। अगर हम बात करते हैं वीवो के Y56 की, इसकी जो डिस्प्ले साइज रहेगा वो रहेगा 6.58 इंच, फुल्ली HD प्लस IPS डिस्प्ले क्वालिटी। ठीक है, मतलब क्वालिटी के मामले में ये आपको ज़्यादा काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। एमोलेड डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होती है, जो कि बैटरी भी कम कंज्यूम करती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन दोनों के फ्रंट कैमरे की, फ्रंट कैमरे दोनों के बटन ड्रॉप नोच में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चक्कर पे जैसे पानी गिर रहा होता है ना ऊपर से ऐसे वाला, तो बूंद गिर रही होती है पानी की, सेम ये भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो दोनों के फ्रंट कैमरे आपको 16 MP के देखने को मिल जाते हैं। एक बार दोनों कैमरे चला के देख लेते हैं, फोटो मोड पे आ जाते हैं। आ जाओ, ये लो, चेक कर सकते हो, दोनों के फ्रंट कैमरे काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे कैमरे हैं। बाकी आप ओपिनियन देख सकते हो कि आपका बजट क्या है उसी हिसाब से। ठीक है, अगर आप राइट साइड की बात करते हैं तो राइट में आपको पावर लॉक बटन देखने को मिल जाएगा, और साथ में वॉल्यूम की रोकर का अप डाउन का बटन, जो Y56 का पावर लॉक बटन है, इसी के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा इसी के ऊपर, और इसका डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं तो एकदम क्लीन देखने को मिल जाती है। आपकी बात करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, सिम स्लॉट दोनों की सेम पोजीशन पे देखने को मिलेगी, सेकेंडरी माइक दोनों की सेम पोजीशन पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि बैकग्राउंड का जो शोर होता है ना वो कम करते हैं, जो इन्हीं ये माइक कम करते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया होते हैं। नीचे स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, टाइप सी चार्जर देखने को मिल जाता है, 3.5 mm का हेडफोन जैक दोनों में देखने को मिल जाता है, पर माइक की पोजीशन आपको आगे पीछे देखने को मिल जाती है, जो कि दोनों में मेन माइक रहता ही है। अगर नीचे की बैक की बात करते हैं तो बैक में आपको, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ठीक है, चेक कर सकते हो, इसमें आपको डबल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अगर इसकी कैमरे की बात करते हो, इसका जो मेन कैमरा रहेगा वो 64 MP रहेगा Y100 का, और जो बाकी रहेंगे वो 2 MP प्लस 2 MP, साथ में फ्लैश, नीचे ब्रांडिंग मिल जाती है वीवो की। इसमें आपको दो कलर देखने को मिलता है, एक तो ये, एक ब्लू कलर देखने को मिल जाता है। इसकी बात करते हो, इसमें आपको दो कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 50 MP का प्लस 2 MP का, साथ में फ्लैश, नीचे ब्रांडिंग मिल जाती है आपको वीवो की, साथ में इसका दूसरा कलर मिलता है आपको ब्लैक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इनके वेरिएंट के बारे में, वेरिएंट के बारे में बात की जाए तो इसमें जो आपको रैम मिलेगी वो 8 GB मिलेगी, और इंटरनल मेमोरी मिलेगी 256 GB, मतलब कि इंटरनल मेमोरी इसकी काफ़ी हाई हो जाती है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें आपको रैम मिलेगी 8 GB और इंटरनल मेमोरी मिलेगी आपको 128 GB। ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से दोनों काफ़ी बेस्ट है। आपका जो बजट बनता है उसके हिसाब से आप चला के देख सकते हो। बालाजी कम्युनिकेशन शॉप लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे डेमो सबकी अवेलेबल आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन दोनों के प्रोसेसर के बारे में, प्रोसेसर के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा 695, 695 प्रोसेसर रहेगा इसका आपको Y100A में। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें आपको दो मॉडल मिलते हैं, Y100A। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको Y56 में देखने को मिलेगा MediaTek का देखने को प्रोसेसर मिलेगा, Dimensity 700। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो प्रोसेसर रहेगा वो 700 रहेगा। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बैटरी के बारे में, जो इसकी बैटरी है वो 4500 mAh की बैटरी रहेगी। ठीक है, जो कि 44 W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर इसकी बात करते हैं तो Y56 की, तो इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh की है, जो कि 18 W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर देखा जाए तो चार्जर की स्पीड इसकी काफ़ी फास्ट हो जाती है, 18 W का अभी नॉर्मल ही लगता है। तो अगर देखा जाए तो बैटरी जो है ओवरऑल एक दिन इजीली दोनों का निकाल देगी। इसकी 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद भी ये एक दिन निकालेगी, इसकी 4500 mAh की बैटरी भी एक दिन निकालेगी। कारण, इसकी जो डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिलेगी
एमोलेड एमोलेड डिस्प्ले जो है वो बैटरी कम चूसती है, तो जो IPS है वो थोड़ी सी ज़्यादा चूसती है, तो इसलिए 5000 mAh बैटरी इसको चाहिए, तो 5000 दी हुई है जो काफ़ी बढ़िया है। तो ओवरऑल ये सिंपल सा कंपेरिजन था, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। इन दोनों में से कौन सा कंपेरिजन अच्छा लगा कमेंट करके बताना, फ़ोन आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना।